नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई माणिकपुर पुलिस स्टेशन के बाहर। आज माणिकपुर पुलिस स्टेशन ने एक अहम केस का खुलासा किया, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में संपन्न हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसई एसीपी पद्मजा मडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से दिल्ली से एक गैंग वसई आकर लोगों को लूटती है और खासकर बुजुर्ग को अपना निशाना बनाती है। ये लोगों के साथ में मीठी मीठी बातें करके या गोलमोल बातें करके उनको फंसाती है, उनके दागिने लेकर फरार हो जाती है। ये जो गैंग है, एक आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है, और ये कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को फंसाने का काम करती है। पुलिस ने इस मामले पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई जानकारी दी। इस गैंग से कुल वसई बिहार और मीरा भाईंदर की हद से 4-6 मामले उजागर हुए हैं, और साथ ही साथ ये जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर और भी कितने मामले हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, ये गैंग दिल्ली की है, जो दिल्ली से आकर यहाँ पर इस तरह के मामले अंजाम देती थी। इस मामले में क्या कुछ कहा पद्मजा मैडम ने, वो सुनिए आगे वीडियो में, और इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को देखिए आगे स्क्रीन पर। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। माणिकपुर पुलिस स्टेशन में एक फिरियाद दाखिल हुई है, जिसमें जो फिरियाद है श्रीमती जयश्री मगजी, वो 64 साल की है। वो मधुरम होटल के पास से गुजर रही थी, तो एक तीन इसम आए, जिसमें एक औरत थी और दो जेंट्स थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसों की जरूरत है, हमें नौकरी से निकाला गया है, हमें दादर जाना चाहते हैं, और आप भी थोड़ा ये कर दीजिए, हमारे पास एक जो पाउच है वो आप रख दीजिए, और आपका भी सामान निकाले, क्योंकि वो चोरी बिरी होती है। तो ऐसा करके उन्होंने उनका जो झुमका था वो निकालने के लिए कहा। वो 1.5 तोले का यानी 15 ग्राम का था, तो उन्होंने निकाला, और फिर बाद में जो पाउच दिया उसमें उन्होंने पत्थर रख दिए। ऐसा करके जो गुना दाखिल हुआ वो 28 मई को दाखिल हुआ इधर। उसके बाद हमारी जो डीबी की टीम है, एपीएस आनंद और उनकी टीम, और पीआई संपतराव पाटिल, उनके जो सीसीटीवी फुटेज है उनका पूरा विश्लेषण कर रहे थे। तो उन्होंने वो देखा कि पूरा विरार तक के चारों जन जा रहे हैं, या तीन जो इसम है वो विरार तक, और उस एरिया में जाके आगे कोई फुटेज नहीं मिला। तो वहां जाके उनको ये हुआ कि एक शक हुआ कि यही रहते होंगे। तो उन्हें 2-3 दिन वहां रुक के ये देखा कि ये लोग कहाँ दिखते हैं क्या, और 2 दिन पहले वो रिक्शा में बैठे हुए उन्होंने देखे और उनको वहां पे अरेस्ट किया। ये चारों जो इसम है, ये चारों इसम दिल्ली के है। जो उनके नाम है, उनका विजय सोलंकी उर्फ विजय चव्हाण, दूसरे का नाम है हरीश राठौड़ उर्फ हरीश विष्णु राठौड़, तीसरे का नाम है रवि पेलहात राठौड़, और चौथी जो महिला है उसका नाम है चौथी बालकिशन परमार। इनके जो ये चार लोग मिले, उनके इसमें 60 ग्राम का सोना मिला है 3 लाख रुपए का। इसमें से 6 गुने उघड़ हुए हैं, उसमें से 4 मीरा भाईंदर कमिश्नरेट के और 2 मुंबई के। इसमें महिला की क्या भूमिका थी? महिला की भूमिका ये थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनपे विश्वास रखते हैं। कोई भी जेंट्स गया तो ज्यादा कोई भी महिला उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मदद नहीं करेगी। एक महिला गई तो उसको लगता है कि नीडी होगी, गरजू होगी, तो उसके लिए उन्होंने उसका सुना होगा। सब कुछ बैकग्राउंड है। अभी एक जुड़ लड़के, 4 लड़के और 1 लड़की, ये सब 28-25-20 साल के है। ये जो 3-3 महीने के इसमें से यहाँ पे आते हैं चोरी करके, फिर से दिल्ली में जाके पूरा खर्चा करके फिर यहाँ पे आते हैं। अभी मैडम वो अभी हमने उनका पुलिस कस्टडी ली है, अभी इन्वेस्टिगेशन में ही उनका सब निकल जाए। हाँ, वही तो, अभी इन्वेस्टिगेशन, कल ही उनका पीसीआर मिला है, अभी उनका इंट्रोगेशन चालू है। इंट्रोगेशन वारदात अंजाम देते हैं साधारण, जैसे हर अपराधी निकलता है निकलते हैं, जिनकी कुछ अलग परिस्थिति में जाता। ये जो तीनों लोग थे, उन्होंने पार्वती क्रॉस से रिक्शा पकड़ी, रिक्शा के बाद वो स्टेशन गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए और ट्रेन से आगे निकल गए। यानी थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके और एक दूसरा कोई गुनाह कर सकते है, इनकी ये मोडस है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर